से। एक का नाम था टूटी, एक का नाम था फूटी, एक का नाम था मरी, एक का नाम था कटी, एक का नाम था फटी, एक का नाम था फीकी, एक का नाम था फीकी। तो मेहमान देखने वाले आए तो मम्मी भूतनी, हाँ भूतनी। तो फिर एक का नाम था भूतनी, उसके बाद मेहमान देखने वाले आए तो फिर मम्मी बोली चटाई पे बैठोगे या फिर मैट। तो मेहमान बोले हम तो कुर्सी पे बैठेंगे। तो फिर मम्मी बोली टूटी कुर्सी ले आओ। तो फिर मेहमान बोले नहीं 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 नहीं, हम तो मैट पे बैठ जाएंगे। तो फिर मम्मी बोली फटी मैट ले आओ। तो फिर मेहमान बोले हम तो जमीन पे बैठ जाएंगे, हमें नहीं बैठना चटाई कुर्सी पे। तो फिर मम्मी बोली चाय पियोगे या फिर दूध। तो मेहमान बोले चाय। तो फिर मम्मी बोली चाय ले आओ। तो फिर मेहमान बोले नहीं 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 नहीं, हम तो दूध पी लेंगे। तो फिर क्या बोलते हैं, मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो फिर मेहमान बोले हम तो कुछ भी नहीं खाएंगे पियेंगे। तो फिर मम्मी बोली आप नहीं, फिर मेहमान बोले कि आप, हम तो लड़की देखने आए हैं, लड़की ही देख लेते। तो फिर मम्मी बोली बेटा भूतनी को ले आओ। तो फिर मेहमान भी उस, बहुत बढ़िया कहानी कहा गुनगुन ने, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 गुनगुन शाबाश। क्या बोला, कहानी सुनाओ देख के। हाँ सुनाओ, दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का ना माइक में ना स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज एक गाना सुनाने वाला हूँ तिरंगा वाला। तो उसने ना बाद में बोला ना तिरंगा मेरे तिरंगा ऐसे चला दिया था। उसका गला खराब था। बहुत शॉर्टकट में सुनाई, कुछ और सुनाओ बड़ा बड़ा। वंदिता तुम सुनाओ बड़ा 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 स्टोरी। जानी जानी बोली पोयम। हाँ। नहीं पोयम नहीं, स्टोरी सुना। हाँ आ जाओ। इतना काला काला क्लाउड्स लगा है ना, खूब तेज बरस रहा है फ्रेंड्स। इतनी गर्मी हो रही है ना, इतना उमस हो रहा है, हवा रुक गया इसीलिए और बारिश आ रहा है। अरे बच गया। हाँ चलो, ये मोहिनी ने फेंका नेक्स्ट बॉल, बाबूजी ने मारा वाइड बॉल, बॉल वाइड चली गई। कमेंटेटर को बहुत ही ज़बरदस्त खांसी हो गया है, डर डर खांस रहा है। खांस रही है। अरे ये कैसी बॉल थी भाई, बीच में ये बम्प कर गई, जगह जगह गड्ढे में पानी भरा है ना फ्रेंड्स। ये देखिए ये पानी भरा है, ठीक है, जगह जगह जितना भी ज्वाइंट है जगह जगह पानी भरा है, सब पानी है तो छप छप। हाँ बॉल फेंको बॉल, ठीक है शाबाश। ये बाबूजी आउट, चौथी बार आउट। लेकिन बहुत ही मस्त मौसम है, बारिश भी हो रहा है, झीसी पड़ रहा है और उसी में खेल भी हो रहा है। ये मोहित की बॉलिंग, बाबूजी की बैटिंग, बच गया कोई शॉट नहीं। हम कितनी बार कहते हैं मोहित के डैडी से कि खेलिए खेलिए, क्रिकेट खेलिए, नहीं खेलते हैं, बाबूजी खेल लेते हैं। हाँ ला हम बॉलिंग करा दे, बैटिंग कर लो, अरे करो ना, अरे चलो ना थोड़े बहुत बॉल काहे लिए, छका देंगे तुमको हम, छका देंगे तुमको हम अपनी बैटिंग से। तो मोही की फर्स्ट बॉलिंग, बाबूजी की बैटिंग, ये पहली बॉल बहुत ही शानदार कैच दिया था बाबूजी ने, लेकिन मैंने मिस कर दिया रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में। अरे हो बच गए बाबूजी। ओवर की तीसरी बॉल फेंकने जा रहा है मोही, चलो फेंको। गजब पानी उड़ा है। ये चौथी बॉल मोही की, थोड़ा धीरे फेंको, बाबूजी को मारने का मौका दो, खाली तुम ही नहीं खेलोगे, आ आराम से फेंको। हाँ आराम से फेंको, हाँ,
ये लो फेंको, अच्छे से फेंको, अच्छे से। बारिश आने वाला है, फिर से ये क्लाउड्स आ गया इतना सारा, हर 5 मिनट पे आ जाता है। अरे हो बच गई, इतना लग कैमरा हम लोग तो नहीं बा ले कैमरा देखते देखते ना ए या, अरे बाबूजी लेफ्ट भी मार लेंगे चल ले करा लेफ्टी। एक ही मैच में राइट और लेफ्ट दोनों का मजा। करा जल्दी करा जल्दी करा, हल्की बॉलिंग। बाबूजी ने बहुत अच्छा शॉट मारा और बच गया 9-4 रन। बीरू फील्डिंग कर आके, बीरू उधर है डी में, बहुत पीछे है, सुन नहीं रही है। और ये मोही की बॉलिंग, अगली बॉल बाबूजी ने मारा शॉट, कोई रन नहीं। इधर क्लाउड्स लग गया है, फिर से बादल लग गया है, फिर से आ रहा है बारिश। बच्चे खेल रहे हैं, बाबूजी लेफ्ट भी मार रहे हैं, राइट भी मार रहे हैं, सीधा भी मार रहे हैं, उल्टा भी मार, सारा बैठ चल तू रिकॉर्डिंग करेगा, हम बॉलिंग करें, चल तब तू ही कर। बहुत सही शॉट मारा बाबूजी ने, 4 रन जाते जाते बचा। बाबूजी ये बाउंड्री है, 4 रन दीजिए बाउंड्री। बारिश आ गई, हल्की हल्की झीसी पड़ रही है, फिर से ये लो, अच्छी सी बॉल फेंको, अच्छी सी बॉल फेंको, सीधा स्पिन, दौड़ो भी मुई दौड़ो ये मेरा चूड़ा रेडी है, और ये है चाय। चल मोही चाय पी, okay। चाय चूड़ा और रोटी, रोटी बना दे, रोटी है नहीं, ठीक है रुको, 2 ठे रोटी सेक दे, बज रहा है 5:30। ये देख रहे हो ना ध्यान से, नंबर 2 AFS पुणे, ठीक है। यहाँ नेम फिलअप करो, यहाँ रोल नंबर फिलअप करो, रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये है नसरुद्दीन वाले लेसन का, सुन रहे हो? हाँ, तो ये पूरा पैराग्राफ पहले एक बार रीडिंग लगा लो, उसके बाद से जो क्वेश्चन दिया है, वेयर डिड नसरुद्दीन गो, व्हाट वाज ही वियरिंग, हाउ डिड द अटेंडेंट ट्रीट हिम, तो ये जितने क्वेश्चन है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। मेरी कोई आता है बताओ कैसे करना, बिना पढ़े? बिना पढ़े नहीं होता है बेटा, कैसे देखो कैसे। पहला क्वेश्चन है Where did the Nasiruddin go? तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Nasiruddin went into a bath house. Dressed in a worn out clothing. Warm out clothing. हाँ तो फिर पहले starting में ही होता है clothing। हाँ तो लिखो, चलो आंसर लिखो सारा, और अगर गलत हुआ तो हम नंबर काटेंगे तुम्हारा। अब पेंसिल से लिखना है, मैम ने बोला है। तो मैं बॉईल कर रही हूँ एग, दोनों बच्चों को दे दूँ, एग खा लेंगे सब, उसके बाद से बनाऊँगे नेनुआ का सब्जी और रोटी। बज रहा है 7:30। अभी मोही और बीरू को दे दूँ मैं एग बॉईल करके। तो फ्रेंड्स आज है संडे 14 जुलाई, और मोही लिख रहा है, बीरू नीचे खेल रही है, मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ है मेरे पीछे मोही, अपना पेपर सॉल्व कर रहा है। इसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, कितना है जी, 22, 23, 24, 25, 4 दिन एग्ज़ाम है हिंदी इंग्लिश मैथ ईवीएस। नहीं 30 को है ना, अभी तो स्कीम नहीं आया 30 वाला। आप ही तो बोले थे 30 वाला आया नहीं है बेटा। हाँ तो फिर आप 22 वाला मान के चलो। हाँ तो फिर आप क्यों बोले, वो आ रहा का है, तुम्हारा नहीं आ रहा का है। तो फ्रेंड्स मोही का एग्जाम होने वाला है 22 तारीख से, 22, 23, 24, 25, और उसका 4 सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश मैथ ईवीएस। 4 सब्जेक्ट का पेपर आ गया है, वो अपना सॉल्व करेगा और एग्जाम देगा, समझा? सिर हिलाने से नहीं काम चलने वाला, हम पकड़े हैं, सिर नहीं हिलने वाला तुम्हारा।
जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बदमाशी नहीं।